हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका आज के लेक्चर में बहुत बहुत वेलकम। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्यूटी विद कोडिंग विद सीआरपी के साथ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा नए फंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। इस फंक्शन का नाम है हमारा चेकेबल फंक्शन मेन्यू बार। इस फंक्शन को बेसिकली सिंपली हम डिफाइन करें तो एक तरह से चेकेबल मेन्यू बार ऑप्शन है जो हमारे मेन्यू बार के अंदर शो होता है। तो आज का हमारा Qt5 का आज का हमारा जो Qt का लेक्चर है तो इसी फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, चेकेबल मेन्यू बार फंक्शन। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोडिंग विद सीआरपी के साथ। स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम जाते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर जो हमने क्रिएट करी थी। तो ये रही हमारी डायरेक्टरी क्यूटी प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर हम गए, तो इसके अंदर जाने के बाद स्क्रीन को करा क्लियर। यहाँ पे अपनी नई डायरेक्टरी बनाते हैं। आज का फंक्शन हमारा क्यू टी नहीं ओनली क्यू चेकेबल फंक्शन। तो आइए पहले समझते, पहले इस डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करते हैं, यस स्क्रीन को करा क्लियर। अब समझते हैं ये फंक्शन ये है क्या चीज़। सबसे पहले चेकेबल फंक्शन जो होता है ये बेसिकली हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे कोई भी आपका फंक्शन आपके मेन्यू बार के अंदर कुछ चीज़ शो हो रही है और आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। तो उसको सेलेक्ट करने के क्या ऑप्शन क्या आपको यूज़ करना पड़ेगा, चेक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि टोगल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। टोगल फंक्शन से क्या होगा कि आप उस चीज़ को ना सेलेक्ट कर सकते हो अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना MS वर्ड ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जैसे अपना MS वर्ड ओपन करता हूँ, तो सॉरी मैंने MD वर्ड लिख दिया, MS वर्ड। यहाँ पे जैसे मैंने अपना MS वर्ड ओपन किया तो ओपन करने के बाद मैं इसको ब्लैंक विंडो सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे तरह से MS वर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको फाइंड करना है, तो ये मेरे एक तरह से टूल बार है मैंने। अब जैसे कोई चेकेबल फंक्शन मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है इसी तरह का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डिज़ाइन पे ये लेआउट ये मेरा डिज़ाइन है, ये लेआउट इंसिडेंट मेलिंग्स है, रिव्यू है, ऑप्शन रिव्यू है, डिज़ाइन है। तो जैसे कोई ऑप्शन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है लोअर केस अपर केस टोगल, ये देखिए ये रहा टोगल, ये टोगल केस है। मतलब इस तरह के कोई फंक्शन होते हैं जो हमारे मेन्यू बार में ऑलरेडी प्रीडिफाइन होते हैं लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते, लेकिन हम उसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसलिए हम उसको सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसी के ऊपर अपना कोड लिखते हैं, कोड के थ्रू देखते हैं इसका आउटपुट की कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे ls करते हैं, कोई फाइल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आज हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपनी क्यूटी की मेन फाइल। तो हमें इसलिए दोबारा क्रिएट ना करनी पड़े, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने किया इसको अंडो। अंडो करने के बाद हम दोबारा इंसर्ट मोड में गए, राइट मोड में। यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल फॉर्म में हर चीज़, टेम्पलेट इज इक्वल टू, ये क्या एक तरह से हमारी ऐप है। फिर हमने लिखा हमारी कॉन्फिग फाइल यानी कि डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी हमारी दोनों की सेम होनी चाहिए, किसकी, क्यूटी फाइल की और सोर्स फाइल की। फिर हमने लिखा यहाँ पे अपना टारगेट नेम, टारगेट नेम में हमारी बाइनरी क्रिएट होकर यहाँ पे शो होगी, तो इसलिए हमने अपने टारगेट नेम लिखा। फिर यहाँ पे हमने लिखा SOURCS सोर्स, यहाँ पे मेरी C++ फाइल का क्या आएगा, पाथ आएगा, यानी कि C++ को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट करूँगा, उसका नेम यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, जिसके थ्रू मेरा कोड क्या करेगा, फेच करेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी क्यूटी लिखा, एक तरह से ये क्या है मेरी प्रॉपर विजिट है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद मेरी फर्स्ट फाइल बन चुकी है क्यूटी की, जो मेन फाइल है। अब हम बनाते हैं अपनी क्यूटी की कौन सी फाइल, जल्दी बताओ आप सब, सोर्स फाइल। तो आइए सबसे पहले हम अपनी सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। तो सोर्स फाइल क्रिएट करने के लिए फिर मैं अपनी सारी हेडर फाइल्स ऐड, सबसे सारी हेडर फाइल्स ऐड कर लेते हैं, और सॉरी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन फाइल क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर अपनी हम सारी हेडर फाइल्स, जितनी भी हमारी हेडर फाइल्स हैं क्यूटी की, उनको क्या हम करते हैं, ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हम सारी अपनी हेडर फाइल्स ऐड कर लेते हैं, सॉरी। तो ये हमारी फर्स्ट हेडर फाइल है, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी दूसरी हेडर फाइल्स ऐड कर लेते हैं, क्यू विजिट हैश इंक्लूड क्यू मेन विंडो। यहाँ पे अंदर हेडर फाइल क्यू मेन विंडो क्यू क्यू मेन्यू, फिर हमारी एक हेडर फाइल और है कौन सी, क्यू मेन्यू। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हेडर फाइल हमें किस लिए यूज़ होती हैं, क्यू मेन्यू बार, क्यू स्टेटस बार। फिर हमारी नेक्स्ट हेडर फाइल है क्यू एक्शन, क्यू एक्शन, ये हेडर फाइल हमारी ऐड हो गई। जल्दी से अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास मैंने सिंपल के नाम से अपनी क्लास बना रहा हूँ, क्लास पब्लिक क्यू क्यू विजिट। फिर यहाँ पर लिखा अपना पब्लिक, पब्लिक के बाद यहाँ पर मैं क्लास 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 का नेम लिखूँगा, उसके अंदर एक क्यू विजिट की हेल्प से, क्यू विजिट की हेल्प से क्या करता हूँ, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जो कि है मेरा भी एक तरह से नल PTR। यहाँ पर स्पेलिंग सही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपना यहाँ पर एक फंक्शन
फंक्शन, जहाँ पे क्योंकि हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन का एड्रेस पास, फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटेक्स पास करते हैं। जब हम प्राइवेट फ्लोट लिखते हैं, इसके अंदर अपने कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिखा, मैंने मेरा फंक्शन क्या होगा, नो उसका रिटर्न टाइप है, तो इसलिए मैंने वर्ड लिखा, फंक्शन का नेम लिखा मैंने स्टेट है। जब ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं सिंपल फंक्शन नाम लिख लेता हूँ फन, फंक्शन का नाम मैंने लिखा फन, इसको करा क्लोज। क्लोज करने के बाद अपने मेन उसके पार्ट के अंदर गया, मतलब मेन प्राइवेट फोल्डर, मेन प्राइवेट फंक्शन क्रिएटर के अंदर, उसके अंदर मैंने अपनी तीन हेडर फाइल्स ऐड कर दी, क्योंकि मुझे बार बार इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ये मेनू बार से डिफाइन कर दी, फिर क्यू एक्शन एक मैंने इसको मैंने क्या कर दिया, एक व्यू के नाम से इसको डिफाइन कर दिया। फिर मैंने क्यू स्टेटस बार है, फिर उसको मैंने डिफाइन कर दिया स्टेटस से। तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन क्रिएट हो चुका, तो इसको क्लोज करते हैं। अब क्या करते हैं, अपने फंक्शन जो हमने फंक्शन क्रिएट, जो हमने क्लास बनाई है, उस क्लास को अपने क्लास को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। क्या हो रहा है, डबल एस क्यू दबा, सॉरी, यहाँ पे हमने क्लास, तो यहाँ पे हमने क्लास को कॉल किया, तो इसके अंदर अपनी क्यू विजिट को ऐड करते हैं, जिस नाम से अपना अपना पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करा है। फिर यहाँ पे लिखते हैं स्विफ्ट क्यू विजिट, यहाँ पे अपने पॉइंटर वेरिएबल का नेम। तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है, फंक्शन कॉल हो चुका है, इसके अंदर अपना कोड लिखना है, स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी आइए, तो जल्दी जल्दी अपना कोड लिखते हैं। मेन्यू इज इक्वल टू, हमारा मेन्यू फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके क्यू क्यू मेन्यू बार, यहाँ पे क्या है हमारा दिस आया, यहाँ पे हमने लिखा दिस, ये मेन्यू बार डिक्लेयर कर, स्टेटस बार डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने क्या लिखा था, सिर्फ स्टेटस यूज़ किया था, क्यू न्यू क्यू क्यू स्टेटस, क्यू स्टेटस बार, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, दिस लिखूँगा, देख लीजिए मैं स्टेटस बार में डिक्लेयर कर दिया। और मैंने ऊपर व्यू ऑप्शन लिया, तो व्यू इज इक्वल टू अपना एक्शन ऐड करते हैं, क्यू एक्शन, क्यू एक्शन के इसके अंदर हमें क्या लिखना चाहिए कि हमारा स्टेटस क्या होना चाहिए, ये हमारा जो नेम आई आया हमारा व्यू, व्यू स्टेटस बार, ये हमारा इस तरह से शो होना चाहिए, मतलब जो हम जब चेकेबल फंक्शन में चेक करें तो उसका नाम शो होना चाहिए व्यू स्टेटस बार। तो हमने दीज ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम क्रिएट कर लें, तो इसको इसको ऐड इसको सेट करते हैं किसके साथ, चेकेबल फंक्शन के साथ। और क्या करते थे उसको ट्रू, क्योंकि अगर ये इसको फाइंड मिले, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो अगर ये एलिमेंट इसको फाउंड हो रहा है, यानी कि वेरिएबल इसको फाउंड हो रहा है व्यू नाम का, तो ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू करेगा, जैसी ट्रू होगी तो ये हमारा ऑप्शन टूल बार के अंदर क्या होगा, इस तरह से शो होने लग जाएगा। तो इसको सेट करते हैं, इसको हमने करा सेट चेक, जैसे ये सेट होगा, सेट होने के बाद उसको क्या करना, चेक करना, अगर ये परसेंट है तो इसको चेक करके इसको क्या करेगा, ट्रू कंडीशन में पास कर लेगा, और हमारे वेरिएबल क्या होगा, जो हमने व्यू स्टेटस बार शो होगा, प्रॉपर एक टूल बार के अंदर शो होगा, जिससे हम इनेबल क्लिक फॉर्मेट पर उसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा वन हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक तरह से क्यू मेन्यू जिसके अंदर ये शो होगा, तो एक मेन्यू बार अपना क्रिएट करते हैं, क्यू मेन्यू किस नाम से, एक फाइल के नाम से, ऊपर मैंने लिखा मेन्यू, क्या लिखा ऐड, इसको मैंने ऐड करा मेन्यू बार को, किस नाम से शो होगा, ये होगा मेरा फाइल के नाम से शो होगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने एड्रेस पास किया किसके साथ, ऐड एक्शन के साथ, वो ऐड एक्शन हमारा किस में, व्यू में। तो ये व्यू के थ्रू, अब जैसे ही मेरा क्या होगा, जैसे ये फाइल मेन्यू मेरा ओपन होगा, इस फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन लिखा रहेगा एलिमेंट का नेम फाइल, जैसे ही मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो मेरा फाइल का जो एड्रेस है वो इसको पॉइंट करेगा किसको, व्यू को, और व्यू के अंदर जो मैंने क्या लिखा, व्यू स्टेटस बार, तो इसके अंदर ये शो होगा, जैसी मेरी दोनों कंडीशन वैलिड होंगी, जैसी कंडीशन वैलिड होगी तो मेरा ट्रू कंडीशन पास होगी, और तुरंत उसके बाद शो हो जाएगा प्रॉम्प्ट कि ये आपका चेकेबल फंक्शन है, आप इसको चेक कर सकते हो, अपने फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं अपने फंक्शन को, तो यहाँ पर लिखा मैंने कनेक्ट यूज किया, कनेक्ट करने के लिए इसको कनेक्ट करना है अपने स्टेटस व्यू क्यू एक्शन, क्यू एक्शन क्या एक तरह से हमारा ट्रिगर्ड है, क्या ये हमारा ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेसिक समझ सकते हैं मैं लास्ट लेक्चर्स में। तो ये क्या हमारा एक तरह से चेक है, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, चेक कर रहे हैं टोकल, यहाँ हमारे फंक्शन के अंदर चलते हैं, जो हमने फंक्शन ऊपर डिक्लेयर किया था फन के नाम से, तो इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ये हमारा फंक्शन कॉल हो चुकी है, फंक्शन के अंदर अपना सारा सोर्स लिख लिया है, कोड लिख लिया, और हम चलते हैं फंक्शन के अंदर, जैसे हम अपने फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो व्यू फंक्शन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना किसका नेम, यहाँ पे सॉरी मैंने चेक लिखा है, यहाँ पे चेक नहीं लिखा, यहाँ पे हमने क्लास का नेम, क्लास हमने किस नाम से बनाई थी, सिंपल के नाम से। तो यहाँ पे हमने जो सिंपल के नाम से क्लास बनाई है उसको कॉल करते हैं, किस फंक्शन के साथ, जो हमने फंक्शन ऊपर लिखा है फन के साथ। तो इसके अंदर अपना कॉल लिखते हैं, इफ कंडीशन ऐड करते हैं, इफ व्यू इज चेकड, यानी अगर वो चेक करता है हमारे कंडीशन को, इसको ये प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, तो क्या होगा हमारा मैसेज, क्या होगा हमारा मैसेज, शो होगा, क्या होगा हमारा मैसेज, क्या होगा, शो होगा मैसेज। और अगर मैं इसको else में डालूं, else में डालने के बाद क्या होगा, ये स्टेटस हमारा शो नहीं होगा, ये स्टेटस हमारा क्या हो जाएगा, हाइड रहेगा।
जैसे मैंने इसको हाइड यूज़ किया, ये हमारा प्री डिफाइंड वेरिएबल है, अब इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, मेरी क्लास क्रिएट हो गई, क्लास के अंदर मेरा फंक्शन कॉल हो चुका। अब हम लिखते हैं अपना कौन सा मेन प्रोग्राम, तो इंट मेन इंट ए आर जी सी स्टार केयर स्टार ए आर जी वी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इसके मैं थोड़ी जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना मेन फाइल, अपना मेन सोर्स कोड, मेन फाइल लिखना स्टार्ट करते हैं, ए आर जी सी, फिर क्या है हमारा ए आर जी वी, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हमने अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, मतलब क्लास का नेम लिखते हैं, जिस नाम से अपनी क्लास बनाई है विंडो, और उसके अंदर वेरिएबल ऐड करते हैं, मैंने वेरिएबल ऐड किया विंडो से। अब हमने वेरिएबल के साथ अपना साइज प्री डिफाइंड वेरिएबल यूज़ करते हैं, और इसका हम साइज देते हैं 400, इसकी विड्थ रहेगी 400, इसकी क्या रहेगी हाइट रहेगी। अब अपना टाइटल सेट करते हैं, सेट विंडो टाइटल, आज का टाइटल रहेगा हमारा क्यू चेकेबल फंक्शन है, ये हमारा क्या है हमारा क्यू चेकेबल फंक्शन है। फिर हम क्या करते हैं विंडो शो करते हैं, जो हमने लिखा है उसको शो होना चाहिए, वो क्या करते हैं रिटर्न ऐप डॉट एक्जीक्यूट, जो हमने ऐप बनाई है वो प्रॉपर एक तरह से एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब हम इसको रन करें। तो ये मेरा कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आइए इसको चेक करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं होना चाहिए, इसको पहले क्लियर करते हैं, एलएस करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ ओनली टू फाइल प्रेजेंट है हमारे इस फोल्डर के अंदर, मेन डॉट सी पी पी जिसको बोला जाता है सी प्लस प्लस फाइल, और दूसरी फाइल है हमारी मेन डॉट प्रो, यानी कि कौन सी फाइल है ये हमारी, कौन सी है ये हमारी क्यूटी की मेन फाइल है, यानी कि बिल्ड फाइल बोला जाता है, जिसकी हेल्प से क्यूटी की एप्लीकेशन क्या होती है बिल्ड होती है। तो क्यू मेक करा हमने, क्यू मेक करने के बाद मेन डॉट प्रो यहाँ पर हमने ऐड किया, जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो अभी मेरी टू फाइल प्रेजेंट थी, मेरी एक फाइल एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा मेक फाइल। यहाँ पर देखिए मेरी मेक फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब इसको करते हैं मेक करते हैं, लेट्स स्टार्ट मेक। यहाँ पे मेरे दो एरर हैं, स्टेटस बार वो इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस, इसको भी कह रहा है कि आप इसको इसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हम इसके अंदर इसको डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते हैं, डिक्लेयर तो कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है आपने या तो कुछ लिखने में दिक्कत करी है, या तो आप इस या इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसे क्यों बोल रहा है ये, आइए पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले अपना कोड ओपन करते हैं दोबारा अपना कोड ओपन करते हैं, यस मेन डॉट सी पी पी ओपन, यहाँ पर मेरी हेडर फाइल तो मैंने ऐड करी है, क्यू स्टेटस बार हेडर फाइल मैंने ऐड करी है, ऐड करने के बाद ये बोल रहा है कि इसको आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, स्टेटस बार शो होना चाहिए हमारा, शो नहीं में क्या होना चाहिए हमारा, ये हाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे शायद एस कैपिटल, एस तो कैपिटल आएगा नहीं, एस तो स्मॉल ही आता है, एस क्या आता है हमारा, एस स्मॉल ही आता है। एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, स्टेटस बार, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे शायद हमारा स्टेटस आएगा, यहाँ पे हमने स्टेटस आ सकता है हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमने स्टेटस नाम से भी वेरिएबल ऊपर क्रिएट करा था, तो एस टी एस अब स्टेटस बदोबाश को रन करके देखते हैं कि ये लॉजिक सही है या नहीं, करते हैं रन, यस क्योंकि हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमने स्टेटस वेरिएबल यूज़ किया था ऊपर जब हमने डिक्लेयर करा था इसको, तो स्टेटस यूज़ किया था। तो इसके बाद हमारी एप्लीकेशन क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, तो आइए अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं, यस मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई सक्सेसफुल रन हो चुकी है। तो आइए इसको सबसे पहले जूम करते हैं, ये मैंने इसको करा जूम, जूम करने के बाद मैं स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये ऐप बड़ी होती है, तो इसको करने के बाद मैं जैसे मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शन शो हो रहा है, जिस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया था, किस नाम से बनाया था मैंने व्यू स्टेटस बार, ये क्या हमारा चेकेबल फंक्शन है। अभी क्या यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो अभी सिलेक्ट नहीं होगा, जैसे मैं इसको यहाँ पे टिक करूँगा या सिलेक्ट करूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा मेरा सिलेक्ट ऑप्शन शो होगा। तो ये हमारा आज का चेकेबल फंक्शन था कि अपने किसी भी मेन मेन मेन्यू बार के अंदर कोई भी अपना टूल बार फंक्शन कैसे सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद कैसे पता लगे कि हमने ये सिलेक्ट किया है। तो आज की वीडियो हमने सीखा कि क्यू चेकेबल फंक्शन क्यूटी के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो आने वाले नए लेक्चर में हम और भी नए नए फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे क्यू लेवल फंक्शन हो गया, क्यू चेकआउट फंक्शन हो गया, क्यू मिनी डेक फंक्शन हो गया, तो बहुत सारे क्यूटी के अंदर फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज़।